गंज बासोदा की नया बस स्टैंड पर सर्विस सेंटर का संचालन करने वाली यूसुफ खान और बबलू भाई का झगड़ा बुरा गोंड के साथ हो गया। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि गुस्से में बुरा ने तलवार से बबलू और यूसुफ पर कई बार वार कर दिए, जिससे बबलू और यूसुफ बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने यूसुफ खान और बबलू को मृत घोषित कर दिया। चूंकि मामला दो संप्रदाय से जुड़े व्यक्तियों का था, इसलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। रात्रि 3 बजे पुलिस को मिली सूचना के आधार पर तिरंगा चौक से पास SI शिवेंद्र पाठक ने अपनी टीम के साथ हत्या के आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया एवं मौके से खून से लथपथ एक मोबाइल जब्त किया। इसमें गाड़ियाँ धुलाई और रिपेयरिंग का काम भी होता है। ये बबलू खान का है और बबलू के ऊपर चाकू से हमला करके और उसको गंभीर रूप में घायल कर दिया गया था। उसके यहाँ काम करने वाले दो लड़के उसको लेकर के अस्पताल गए थे। अस्पताल में जब पहुँचे तो बबलू की मृत्यु हो चुकी थी। इस पर थाना गंज बसोदा शहर के अंदर 302 के अंतर्गत दो आरोपी के ऊपर पंजीकृत किया गया है। एक आरोपी की इसमें शिनाख्त पूरा गौड़ के रूप में हुई है और दूसरे आरोपी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इसमें तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और पहुंच करके जो घायल है उसको हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, परंतु अनफॉर्चुनेटली उसकी तत्काल डेथ हो गई है। इसमें 324 के अंतर्गत पंजीबद्ध है, आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी इसमें एक्चुअली नाम क्लियर नहीं हो पाया है, जैसे ही क्लियर होगा उसके बारे में उसकी रजिस्ट्री की जाएगी। मेन आरोपी पकड़ा गया है बूढ़ा, उसका ये कहना है कि उसने कुछ 2.5 लाख रुपए मृतक को दिए थे, जबकि मृतक और उसके रिश्तेदार उसके परिवार के लोगों का कहना है कि मृतक की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उसको किसी प्रकार की कोई पैसे की कोई आवश्यकता कभी पड़ती नहीं होगी, क्योंकि इनफैक्ट वो लोगों की खुद स्वयं सहायता किया जाता था पैसे। तो ये रीज़न उनके परिवार के लोगों ने डिनाई किया है। बाकी दूसरा रीज़न ये भी था कि मृतक का जो गैरेज था वो काफ़ी अच्छा चलता था और आरोपी का गैरेज नहीं चलता था। आरोपी पहले मृतक के गैरेज में ही काम करता था, इसी बिजनेस राइवलरी के कारण संभवतः ये हत्या हुई है। विदिशा से सोनू नामदेव की ये रिपोर्ट।